जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की वैकेंसी आ चुकी है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ठीक है, लैस करें स्टोर कीपर के लिए, जो कि अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस जो वैकेंसी में, मतलब आप लोग का बस दिमाग में ही चलता होगा कि इसमें सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, क्या काम करना है, मतलब आपको मैं हर चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा, जानकारी पूरा दूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल एकदम स्किप नहीं करिएगा, ठीक है गाइज। अनअकैडमी की तरफ से आप सभी लोगों के लिए मिशन SSB 2022 कंप्लीट बैच को आ चुका है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 25 मई से स्टार्ट हो जाएगा। और एजुकेटर अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, काफ़ी टॉप एजुकेटर और काफ़ी मतलब एक बोल सकते हो मतलब काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस बोल सकते हो यार, है ना, क्योंकि आप सर लोगों को देख के लगता है कि कम से कम 50, 60, 70, 80 ऐसे सर, मतलब तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और हर चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे, हर फैसिलिटी मिलेगी ये अगर आप मिशन SSB ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, बैच कोर्स काफ़ी मस्त है, 25 मई से स्टार्ट हो जाएगा। अब गाइज ये देखिए, अगस्त्य इंडिया 2022 कंप्लीट बैच कोर्स हो गया, जो कि 18 मई से बैच को शुरू कर दिया गया है, आप लोग को पता ही है, देख सकते हैं काफ़ी मस्त। अर्पित सर वाला बैच तो काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी गर्दा बैच होता है, आप लोग को तो पता ही होगा। ठीक है, और ख़ास बात इसमें यह है कि NDA रिजल्ट्स मतलब 3500 से ज़्यादा एसोसिएशन एग्जाम स्कोर क्लियर हो गए हैं अकेडमी प्लेटफॉर्म से गाइज, तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, तो एजुकेटर अपने स्क्रीन पर तो देख ही सकते हैं। और क्या आप कहना है, फ्री भी क्लासेस सर लोग का, तो फ्री भी चेक कर सकते हो, बैच भी है, बैच भी इनरोल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे टारगेट CDS 2 2022 कंप्लीट बैच को से भी है, जो कि स्टार्ट ऑन 25 मई 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। और जो कि अपनी स्क्रीन पर देखिए, एजुकेटर काफ़ी अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर मिल रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग लाइक ज्वाइन करिए बैच को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, मतलब तीनों बैच का, लाइक CDS का, NDA का और SSB का, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और कोड डालेंगे GZ10, आपको डेफिनेटली 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो कोड यूज़ करिए GZ10, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और बैच को इनरोल करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्क्रीन पर देखिए, एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 21/5 तक, ठीक है, 21/5 को स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्टार्ट है, और ये लास्ट जो डेट है 20/6/2022 तक रखी गई। ठीक है, अप्लाई ऑफलाइन आपको करना है, ठीक है, इसमें कोई पेमेंट वगैरह इस चीज़ नहीं मतलब वो देना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और देखो, इसके लिए आपको 18 से 30 और स्टोर कीपर के लिए 18 से 25 हाई सिलेक्शन एग्जाम जो आपको मिलना होगा मिलेगा। लेस्कर के लिए बहुत कम एज है, मेरा 18 से 30 18 से 25 है, ये मतलब काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। पे स्केल की बात करें गाइज, अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं 19,000, ठीक है, 20,000 19,000 यही है, और बाकी जब पोस्ट बढ़ेगा, लाइक जो काम बढ़ेगा, अच्छा काम आप परफॉर्मेंस करोगे उसके हिसाब पेमेंट तो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा ही होगा। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें, टोटल पोस्ट इसमें 5 है, काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक ही है, काफ़ी क्या मतलब जो है सो है, मतलब एक पोस्ट के लिए हमको तो मरना है, बाकी ज़्यादा के लिए तो है नहीं मरना, ठीक है, बस इसमें जनरल और EWS के कैंडिडेट ही जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखो वैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, इसमें नेम और पोस्ट जो देगी 3 और 2 स्टोर कीपर लेस्कर के लिए, सबका अलग अलग है, लेकिन अगर आप लाइक 3 जो पोस्ट है, अगर इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बस 10वीं पास होना चाहिए आप किसी भी बोर्ड से हो, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन सर्विस ऑन बोर्ड, ठीक है, याद रखना है, और 12th पास भी होना चाहिए, जो कि ये स्टोर कीपर वाला Grade 2 में, और 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन क्या उसका स्टोर कीपर इंट्रोडक्शन, तो ये भी होना चाहिए एक्सपीरियंस, मतलब दोनों में एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी, ये अटेस्टेड, तो ये सब होना चाहिए, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स तो काफ़ी जरूरी है फॉर्म भरते हुए। ठीक है, अब आपको भेजना कहाँ गए देख लो, आपको यहाँ पर भेजना है। ठीक है, यहाँ पे आपको भेजना है, जो कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गुजरात में आपको गांधीनगर गुजरात में भेजना होगा, जो कि ये हेड क्वार्टर है कोस्ट गार्ड का, वहीं पे दी कमांड रेस्ट कर है ना, हेड क्वार्टर्स कोस्ट गार्ड का, ठीक है, यहीं पे नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो ये है आपके लिए फॉर्म, आपको भर देना है, और बाकी कोई दिक्कत हो तो का मतलब आप बताना, हमसे मैसेज कर देना। और यहाँ पर लाइक आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अप्लाई ऑफलाइन फॉर्म आप क्लिक करो आराम से इस पर, और ये इसका डाउनलोड हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये फॉर्म हो गई आपकी डाउनलोड, ये आपको मैं फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे डालता हूँ। ठीक है, अभी वहाँ से आप लाइक निकलवा के आराम से फॉर्म को डाल दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गई, चलो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ठीक है, जय हिंद।